नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा नौवीं गणित विषय का हमारा टॉपिक चल रहा है एक इरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। आज हम एक सवाल 12.2 प्रश्नावली है उसका एक तीसरा सवाल है वो हम करने जा रहे हैं। इस सवाल में एक रंगीन कागज का हवाई जहाज बनाया गया है, इस हवाई जहाज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चित्र इसका हमें इस प्रकार से दे रखा है, इस चित्र को 1, 2, 3, 4 और 5 पांच भागों में इसको बांट दिया। ये हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज को पांच भागों में हमने बांट दिया। अब इन पांचों भागों का हम अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद सबको एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें इस रंगीन कागज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ये सवाल। सबसे पहले हम पहला भाग है जो त्रिभुज आकार है, इसमें ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर इसकी होगी। यहां नीचे ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, अतः ये भुजा भी इसके बराबर होगी 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो इसमें हमारे पास तीन भुजाएं हैं, 5, 5 और 1, तो हम लिखेंगे S बराबर 5, 5 प्लस 1 बटा 2। अब जब इनको जोड़ेंगे 5, 5 10 और 1 11 बटा 2 ये इसका हमको अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। अब इस अर्ध परिमाप 2 का भाग अगर हम इसमें लगाते हैं तो हमें 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हीरोन के सूत्र के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1, तो 5.5 में से 5 घटाया 0.5, 5 घटाया 0.5, 5.5 में से 1 घटाया तो 4.5। अब इस पूरी संख्या को हम गुणा करते हैं, इनको जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 6.1875, 6.1875, और इस 6.1875 का हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमें इसका वर्गमूल मिलेगा लगभग 2.49। इसका वर्गमूल कैसे निकाला हुआ है आपको निकाल करके बता दूंगा। तो 6.1875 जो हमें मिला उसका वर्गमूल निकाला तो जो हमें प्राप्त हुआ 2.4। इस प्रकार से पहले भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा भाग जो कि आयताकार है उसका क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लिखेंगे आयताकार भाग सेकंड का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई यहां से लेकर यहां तक है 6.5, चौड़ाई ये है जो कि 1 सेंटीमीटर है, तो 6.5 गुणा 1 तो ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिलेगी 6.5। तो जब 1 से गुणा किया तो 6.5 सेमी स्क्वायर, तो इस आयत का क्षेत्रफल हमें मिल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तीसरा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालें। तीसरे से पहले हम चौथे और पांचवें भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चौथा और पांचवा भाग देखिए, यहां पर ये समकोण बन रहे हैं, तो इनका हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से सीधा इनका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो भाग है तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज भाग चार व पांच का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। लेकिन ये दो भाग है इसलिए इस पूरे को हम किससे गुणा कर लेंगे, दो से गुणा। तो एक बटा दो आधार इसमें कितना है 1.5, 1.5 ऊंचाई इसकी है 6 सेंटीमीटर गुणा दो, तो दो से इस 6 को काटा 3, या दो से दो को काट दो एक ही बात, दो से दो को काट दिया 15 को 6 से गुणा किया, 1.5 को 6 से गुणा किया 9 सेमी स्क्वायर। तो हमारे पास चार भागों का क्षेत्रफल आ गया, पहले भाग का आ गया, दूसरे का आ गया, चौथे का आ गया और पांचवे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब हम जो ये तीसरा भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तीसरा भाग हमारा किस प्रकार का है देखिए, तीसरा भाग हमारा समलंब आकार का है, समलंब आकार का एक चतुर्भुज है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने देखा है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो इनके बीच में हमें ऊंचाई नहीं दे रखी, तो हमने इससे पहले भी एक सवाल किया था जिसमें हमने ऊंचाई ज्ञात की थी, वैसे इस सवाल की ऊंचाई हम ज्ञात करें। तो इसमें ये भुजा 2 सेमी है, ये 1 सेमी है, ये 1 सेमी है और ये 1 सेमी। हम एडी के समांतर इधर एक रेखा खींच देंगे एई, तो ये ईसी, ईसी का मान कितना हो जाएगा 1 सेमी, एईबी कितनी हो जाएगी 1 सेमी और ईबी कितनी हो जाएगी 1 सेमी। तो अब हमारे पास ये त्रिभुज ईबीसी जिसकी तीनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया मैंने, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा क्या है, एक है, एक का स्क्वायर करेंगे √3/4 का √3/4 सेमी स्क्वायर है। अब ये इस त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। वापस हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार इंटू ऊंचाई बराबर √3/4। तो 1/2 आधार क्या है इसका, एक है, 1/2 आधार एक है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है √3/4। अब क्या करेंगे, इस 1/2 को इधर लेकर आएंगे, जब हम 1/2 को इधर लेकर के आएंगे तो ऊंचाई बराबर √3/4 गुणा, और ये 1/2 जब इधर आएगा तो 2 का आएगा ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 4 को काट दिया तो ऊंचाई इसकी आ गई √3/2 से। इससे हम अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, कौन सा भाग है ये, तीसरा भाग है, तो हम लिखेंगे भाग 3 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा इसकी 1 और 2 है, तो 1+2 इंटू उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी मिली हमें √3/2। अब इनको जब गुणा करेंगे 2 और 1 3 3/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 3 × √3/4 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमें इन सभी भागों का क्षेत्रफल
मिल गया है। अब हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम सभी भागों को जोड़ लेंगे। ये चित्र मैं यहां से साफ कर देता हूं। संपूर्ण रंगीन कागज का क्षेत्रफल, तो भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सभी भागों को हम जोड़ लेंगे। पहले भाग का क्षेत्रफल हमारे पास जो हमें मिला वो था 2.4। दूसरा भाग है आयताकार भाग का, उसका हमें मिला 6.5। तीसरा जो भाग है उसका क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है √3 बटा 4। और चौथा और पांचवा भाग है उसका हमने एक साथ क्षेत्रफल निकाला था, जो हमें मिला था 9 सेंटीमीटर। अब इन सब को हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम √3 का मान यहां पर रखेंगे, तो 2.49 + 6.5, 3 × √3 का मान क्या होता है 1.732/4+9, तो 2.49 6.5, 4 का भाग इस 1.732 में जब हम लेंगे तो 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 12, 1 × 8 = 4। अब 3 को इससे गुणा करो, 0.433 से, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 4 से गुणा किया 12, 1.299+9। अब इन सब को हम जोड़ देंगे एक साथ, तो हमें हमारा जो क्षेत्रफल है, जो सवाल है, उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो हम इसको 2.5 मान सकते हैं, क्योंकि 4 9 है, 9 5 से अधिक संख्या है, इसको हम 5 मान सकते हैं। और ये हो गया 6.5, इसको हम 1.3 यानी 1.2 है, तो 9 से अधिक संख्या है, 5 से अधिक है, तो इस 2 को हमने क्या बना दिया, 3 बना दिया, और ये प्लस 9। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, पॉइंटों की संख्या हमने जोड़ी 5, 5, 10 और 3, यहां पॉइंट लगेगा, आसिन बचा 1। अब बिना पॉइंट की संख्या जोड़ो 9, 1, 10, 16, 17, 18 और 1 हासिल 19.3 सेमी स्क्वायर। तो जो रंगीन कागज था उसका क्षेत्रफल हमें कितना मिल जाएगा, 19.3 सेंटीमीटर। इसको हम लगभग लिखेंगे, लगभग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने जो ये पॉइंटों के मान जो परिवर्तित किए हैं, 4.45 को हमने 0.5 माना है, 1.2 को हमने 1.3 माना है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 19.3 सेंटीमीटर लगभग। अब मैं आपको जो हमने अभी वर्ग को निकाला था 6.1875 का लगभग 2.4 वो कैसे निकाला वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए जो 6.1875 था उसका वर्गमूल मैंने किस प्रकार से निकाला है, 6.1875 का लिया, जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम दो दो के जोड़े बना लिए, 1 6 अकेला रह गया, तो 6 में किसका वर्गमूल का भाग जाएगा, तो 6 में जब हम वर्गमूल का जब हम लिखते हैं तो 1 × 1 = 1 होता है, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 81, 9 × 9 = 8 64, 9 × 9 = 81 और 10 × 10 = 100। इस प्रकार से इसका पहाड़ा चलता है। तो जब 6 है तो 6 में किसका जाएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9 तो बड़ा हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 4 यहां निकला, 2 बार भाग गया तो 2 यहां निकला। अब जो संख्या यहां होती है वही संख्या इसमें जोड़ी जाती है, 2 में 2 जोड़ा 4, 6 में से 4 को घटाया तो 2, आगे यहां पर 4 है, यहां 2 है, तो अगली 2 संख्याओं का जोड़ा हमने निकाल लिया
अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे इसके पास चार के पास कि जिसको उस संख्या से ही गुणा करने पर इस संख्या के बराबर संख्या जाए या इससे छोटी संख्या जाए। तो मैंने यहाँ रखा चार, तो 44 को जब चार से गुणा किया तो 176 मिला, जब 218 में से 176 घटाया तो 42 मिला। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पॉइंट था और फिर ये क्या हो गया चार। ठीक है, अब 44 में जब ये चार जोड़ दिया तो ये हो गया 48। अब फिर 48 के पास मैंने यहाँ 42 था, 42 के पास अगला जोड़ा उतार दिया 75। अब 48 के पास ऐसी कोई संख्या रखेंगे जिसको गुणा करने से इसके बराबर या इससे कोई कम संख्या है, तो यहाँ मैंने 8 रखा, 8 को 8 से 488 को 8 से गुणा किया तो 3904 मिला है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 371 मिला और 8 इसमें जोड़ दिया तो 496। अब देखिए 371 यहाँ 496 भाग नहीं जाएगा तो 2 0 मैंने मेरी तरफ से उतारे। अब यहाँ पर तो ये 8 मैंने लिख दिया, अब आगे इस संख्या को किससे गुणा करें या कौन सी संख्या रखें, तो मैंने 7 रखा, 7 रखा तो 34769 मेरे पास आया, जिसको जिसमें से इस संख्या में से इसको घटाया तो 2331 मेरे को मिला, तो मैंने 7 यहाँ डाल दिया। अब ऐसे तो ये आगे से आगे आगे से आगे जाता रहेगा, तो अब मैंने ये 3 अंक यहां से ले लिए 2.487। मैंने बताया कि 5 या 5 से अधिक कोई संख्या हो तो उसको हटा करके हम अगली संख्या में 1 जोड़ सकते हैं, तो मैंने क्या लिया यहां पर 2.4। इस प्रकार से इस संख्या का वर्गमूल लगभग मेरे को 2.49 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था। धन्यवाद, आपने ये सवाल देखा, आगे भी मैं सवाल करवा रहा हूं, आप ये सवाल अपनी कॉपी में अवश्य करना और जो सवाल आपको दिए जाते हैं उनको आप